इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिजी के अंदर फिक्स्ड असेट की एंट्री हम कैसे पास करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि फिक्स्ड असेट को परचेज करते वक्त क्या एंट्री होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और उसको सोल्ड आउट करते वक्त क्या एंट्री होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे कि समझने में इजी रहेगा। एक पर्सन है राजू जो कि ओनर है एक बेकरी शॉप का। अब राजू को केक बनवाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ओवन और उस केक को डिलीवर करने के लिए उसको चाहिए एक स्कूटर। तो हमारे राजू जी जाते हैं और ओवन और स्कूटर दोनों को ही परचेज कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इनकी एंट्री को हम कैसे पास करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं फिक्स्ड असेट की एंट्री को पास करने के। तो पहला तरीका है कि हम इसको परचेज वाउचर के अंदर एंटर कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम इसको जनरल वाउचर के अंदर एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परचेज वाउचर में हम इसको कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहले हम परचेज वाउचर को ओपन कर लेंगे, डेट डालेंगे, जो भी बिल हमको मिलेगा उसके ऊपर बिल नंबर होगा वो हम वाउचर नंबर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हम परचेज टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट हम परचेज करेंगे तो LGST यूज़ होगा और जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर वो फिक्स्ड असेट आता होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम इंटरेस्ट रेट असेट को परचेज करेंगे तो IGST यूज़ होगा और टैक्स स्लैब उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिससे भी परचेज करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ITC एलिजिबिलिटी के अंदर कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। अब हम उस फिक्स्ड असेट को क्रिएट करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, फिक्स्ड असेट का नाम डालेंगे, यूनिट डिफाइन करेंगे, टैक्स कैटेगरी और HSN कोड हम यहां पर डाल देंगे। स्पेसिफाई सप्लाई के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई हेयर और उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट के अंदर ये फिक्स असेट आएगा। यहाँ पर मैं इसको प्लांट एंड मशीनरी के अंदर डाल रहा हूँ तो जो भी ओवन की वैल्यू होगी वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर शो होगी। यहाँ पर बस आपको कैटेगरी देखनी है कि किस अकाउंट के अंदर वो चीज़ आएगी, तो जो भी फिक्स्ड असेट होगी उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर शो होगी। इसको सेव करेंगे। एक पीस है 10,000 रुपये का। F2 करके नीचे आएंगे, यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो ये टैक्स की कैलकुलेशन कर लेगा। इस वाउचर को सेव करेंगे। अब हम जब ओवन की वैल्यू देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड असेट में प्लांट एंड मशीनरी के अंदर शो होगी। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि जनरल वाउचर के अंदर फिक्स्ड असेट की एंट्री हम कैसे पास करेंगे। जनरल वाउचर को ओपन करेंगे, जो भी डेट और बिल नंबर होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। GST नेचर के अंदर रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम उस फिक्स्ड असेट को क्रिएट करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पहले आप फर्क समझिए कि परचेज वाउचर के अंदर हमने आइटम क्रिएट की थी और वहाँ पे अकाउंट को स्पेसिफाई किया था कि किस अकाउंट के अंदर ये हमको शो होगा। जर्नल वाउचर के अंदर हम डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप में डालेंगे फिक्स्ड असेट। उसके बाद यहाँ पर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछता है, यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन रेट डाल देंगे। GST एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फिक्स्ड असेट जिस भी टैक्स कैटेगरी के अंदर आता है उस टैक्स कैटेगरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। HSN कोड डालेंगे, कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हम टैक्सेबल अमाउंट डाल देंगे, डेबिट करेंगे CGST और SGST को। पार्टी का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। F2 प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे।
वापस से यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पर यूनिट को डिफाइन करेंगे, आईटीसी एलिजिबिलिटी के अंदर कैपिटल गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमने समझा कि कैसे हम फिक्स्ड असेट की एंट्री को पास करते हैं परचेज वाउचर में और जर्नल वाउचर में। अब यहाँ पर आप बताएं कि आपको कौन सा तरीका इजी लगा। किसी भी फिक्स्ड असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम एक फिक्स्ड रेट से चार्ज करते हैं, इसको हम ईयर बाय ईयर चार्ज करते हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम WDV मेथड यूज़ करते हैं। कोई भी फिक्स्ड असेट जो हमने एक्वायर करी, अगर उसका यूज़ हम 180 डेज से कम करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन हम हाफ रेट से चार्ज करेंगे। इसको समझते हैं, जैसे हमने ओवन परचेज किया तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो ईयरली हम चार्ज करेंगे 10%। अब एक ओवन हमने परचेज किया 25 मई को और दूसरा ओवन परचेज किया 31 दिसंबर को। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले सबसे पहले हम डेज काउंट करेंगे। यहाँ पर हमने जो पहला ओवन परचेज किया उसको हमने यूज़ किया 310 दिन, वहीं जो हमने दूसरा ओवन परचेज किया उसका हमने यूज़ किया 90 दिन। यहाँ पर हमने डेज निकाल लिए। डेज निकालने के बाद अब हमको पता लग गया कि हमको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले के ऊपर चार्ज करेंगे 10% और जो सेकंड ओवन है क्योंकि वो 90 डेज तक ही यूज़ हुआ है, 180 डेज उसके नहीं हुए हैं, तो इसके ऊपर हम हाफ रेट से चार्ज करेंगे, तो सेकंड वाले के ऊपर हम चार्ज करेंगे 5%। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम जर्नल वाउचर के अंदर पास करेंगे। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट पर चार्ज करते हैं। GST नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे उस पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट को। यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे ताकि हमको पता रहे कि हमने क्या किया था। वाउचर को सेव कर देंगे। किसी भी फिक्स्ड असेट को सोल्ड करने पर हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो प्रॉफिट के अंदर सोल्ड हो या लॉस के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट के अंदर अगर हम उसको सोल्ड करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। जर्नल वाउचर में एंट्री हम पास करेंगे जिस भी डेट पर आप फिक्स्ड असेट को सोल्ड कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे। GST नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा, जहाँ भी आपको इसके अगेंस्ट में अमाउंट रिसीव होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैश या बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। वापस से डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डे वाइज। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ओवन को सोल्ड कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं पहले डे वाइज इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो भी अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला ओवन था उसकी वैल्यू बस इतनी ही बची थी, पर हमने उसको सोल्ड आउट करा इस अमाउंट में, तो जो भी एक्सेसिव अमाउंट होगा वो हमारा गेन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे गेन ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स्ड असेट, ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम फिक्स्ड असेट को लॉस के अंदर बुक करते हैं तो उसकी हम कैसे एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेट आ जाएगी, डेबिट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमने प्रॉफिट के लिए अकाउंट क्रिएट किया था ऐसे ही हम लॉस के लिए भी एक अकाउंट क्रिएट करेंगे।
इसको यहाँ पर हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जो भी लॉस का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और क्रेडिट कर देंगे फिक्स्ड असेट की वैल्यू को। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। बिजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं।